सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। नियर अबाउट 35,000 का डिस्काउंट ऑन द स्पॉट करा के दे। इनको नियर अबाउट 1.5 से 2 के बीच में देनी पड़ेगी, तो गारंटी दे रहे हैं अमित बाकी ये गाड़ियों का फ्री में देंगे। किस बात की आ रही है यार? देखो पाजी, हमारे भाइयों की मेहरबानी हो गई और आज भाइयों की मेहरबानी की वजह से यार आज देखो आज हम ऑडियो में आए, ऑडियो में आ गए, आज हम ऑडियो पे आ गए यार। आप सब भाइयों का भाई, बहुत बहुत हम सब भाइयों के शुक्रगुजार है यार, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट किया यार, कहा पाजी ने पहले स्कूटी चलाई, बैटरी रिक्शा चलाया, मतलब धीरे धीरे अपग्रेड कर गए पाजी। पाजी ऑडी क्यू फाइव पे आ गया, बिल्कुल तुम्हारा भाई तो ऑडी एडिट कर गया। पाजी क्या चल बढ़िया भाई, कैसे हो? बस बढ़िया पाजी। तो गाइस एक बार बता दूँ, आज के व्लॉग में हम आपको दो ऑडियंस दिखा रहे हैं, Q5 एंड A6। बता दूँ गाइस, क्योंकि आप में से काफ़ी भाई डिमांड करते हो कि यार आप लो सेगमेंट की गाड़ी नहीं लाते, तो एक बार बता दूँ, जैसे कि जो मेरे साथ भाई पहले से जुड़े हुए हैं वो पता है यार कि मैं सिंगल कार की वीडियो डालता था, उसमें सारी उनकी डिटेल्स बताता था, इंजन खोल के दिखाता था। सो आज से हम वही स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर फिर से। क्यों पाजी? बिल्कुल, जैसे जैसे एक्सक्लूसिव गाड़ी होगी, फॉर एग्जांपल लाइक XUV500 है आपकी, डीज वरना है, मतलब जो जो एक्सक्लूसिव गाड़ी है ना, हम एक एक करके आपको ला के दिखाएंगे, उनकी पूरी डिटेल देंगे, ओवरव्यू देंगे, इंजन खोल के दिखाएंगे, बूट्स पे दिखाएंगे, सारे अंदर की डिटेल देंगे। क्यों पाजी? एंड बता दूँ गाइस, चैनल के साथ अपडेट रहे, क्योंकि अब पाजी को मैंने कन्विंस किया है। एक तो ये भी ना बहुत आलसी है, सही बता रहा हूँ, एक नंबर के इनको बोल बोल के परेशान हो गया। मैंने बोला भाई, भाइयों को छोटे सेगमेंट में गाड़ी चाहिए, थोड़ा जल्दी व्लॉग लाया करो, तो उन्होंने बोला यार मोहित भाई टाइम नहीं मिलता, तो मैंने चल कोई नहीं भाई को भी, फिर भाई भी हमारा काफ़ी लंबा वेट करते हैं व्लॉग के लिए, तो इसलिए हम आगे से आपके लिए सिंगल सिंगल कार के व्लॉग लाया करेंगे और जल्द से जल्द लाएंगे। भाजी कोशिश क्या रहता है, हफ्ते में हम 3 से 4 सिंगल सिंगल गाड़ी के व्लॉग डाल देंगे। हाँ डाल देंगे, और अगर जो हम कलेक्शन डालते हैं वो कितनी जल्दी करेंगे महीने हफ्ते में? हफ्ते में वो भी चार वीडियोज आ जाए करेंगे गैस। हफ्ते में आपको 4 वीडियोज हम देंगे कम से कम, जिसमें आपकी 3 सिंगल होंगी और 1 होगी फुल स्टॉक की, बिल्कुल है ना। सब कोशिश यही रहेगी कि अपने भाइयों के लिए जल्द से जल्द बढ़िया गाड़ी लेंगे। लग्जरी गाड़ी तो गैस मैं इतनी सारी डालता ही हूँ, तो मैंने सोचा यार अपने भाई जो मुझे सपोर्ट करते यार उनके लिए यार मैं मिड सेगमेंट की भी गाड़ी लाऊं। सो अपने पाजी हैं, अपने पाजी जिंदाबाद हैं, तो पाजी फिर चले स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। सो गैस एक बात आपको बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराना चाहते हैं तो गाड़ी फाइनेंस भी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ओनली दिल्ली NCR के लिए। पाजी अगर जो हम ऑडियंस दिखा रहे दोनों, अगर फाइनेंस कराने हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी भैया, अगर तो गाइस अच्छी है तो आपकी गाड़ी ये मैक्सिमम 70-80% फाइनेंस हो जाएगी। ओके तो गैस ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सो हरजी पाजी ये बताओ, सबसे पहले हम भाइयों को कौन सी गाड़ी दिखाने वाले, ऑडी Q5 या ऑडी A6? बताओ आपको कौन सी पसंद आ रही है इनमें से? यार ये गाड़ी जो है ना मिंट कंडीशन में है, हाँ। है तो ये भी मिंट कंडीशन है, लेकिन इसकी गाइस क्लास है, जो इसकी क्लास है ना, आपको भी अंदर से इंटीरियर दिखाऊंगा। अगर किसी ने सर्विस करके दिखा दिया ना कि ये गाड़ी इतनी नहीं चली हुई, तो गारंटी दे रहे हैं अमित बाकी ये गाड़ी आपको फ्री में देंगे। और तब पक्का आज हमारा नंबर लगाने का भी यही रीजन था कि हमने इस पर अपनी वो नहीं लगाया, अपना लोगो नहीं लगाया कवल मोटर्स का, कि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि नंबर उस पर लगा हुआ है UP16AE8878। क्योंकि आप में से काफी हमारे समझदार भाई हैं, वो भाई बोलेंगे अरे नहीं भाई ये तो इतना मॉडल है इतने किलोमीटर चल नहीं सकते, चल सकते। तो भाई ठीक है, हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप इसकी जाँच कराओ। और यार एक बात हम आपको ये बोलते हैं, आपको गाड़ी लेनी है ना, आप इंटरेस्टेड हो, आप पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, इसकी पूरी सर्विस देखो, जब आपको लगे ना कि हाँ एकदम परफेक्ट है, देन उसके साथ परचेज करो। बिल्कुल, और जो पाजी अपना मैकेनिक लाना है आप अपना मैकेनिक लेकर आओ, आपने जो अपना समझदार बंदा लेकर आना जिसको नॉलेज है वो लेकर आओ, हमारे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार एक बात और क्लियर कर दूँ, जो पाजी किलोमीटर बताएंगे ना इसके वो ही जेन्युइन चले हुए हैं, चाहे आप कहीं से कंपनी में ले जाके इसको चेक करा ले या कुछ भी करवा ले, है ना भाई? ऑल इंडिया श्योरिटी है यार, जहाँ मर्जी चेक कराओ इसको। ओके ठीक है, तो पाजी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो गाइस सबसे पहले ये है आपकी ऑडी की Q5, नंबर देखेगा ये आपका UP नंबर गाड़ी है ये, तो बेसिकली पाजी 15 साल चलने वाली गाड़ी है ना? बिल्कुल, ये हमारे UP के भाइयों के लिए स्पेशली, जो हमारे को कहते हैं कि UP नंबर गाड़ियाँ दिखाओ, तो आज मैं दिखा दिया कि UP नंबर गाड़ियाँ भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो लेके 20 टाइम उनके लिए UP नंबर Q5। तो पाजी पहले इसकी लाइट्स की बात, जब इसमें लाइट देखें, लाइट्स के बारे में कुछ बताओ यार। लाइट्स के बारे में मोहित भाई पहले तो आ जाता है लेंस, ये आपका वो हो गया हैलोजन, हैलोजन लेंस। ओके, तो ये मूव होता है जैसे बेसिकली प्रोजेक्टर, सॉरी प्रोजेक्टर लेंस हो गया, प्रोजेक्टर लेंस हो गए। ये गए आपके आगे यहाँ पे DRL हो गए। ओके, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल है ना, तो उसमें ये वाली शेप DRL आते थे, आप देख सकते हो ये क्यूब वाले DRL है, इनको क्यूब DRL कहते हैं। प्लस ये जो है आपके हेडलाइट वॉशर आ गए, हेडलाइट वॉशर आ गए, एंड ये आपके सेंसर्स आ गए, हाँ देख सकते हो ये आपके फॉग लैंप्स आ गए। ओके ठीक है, प्लस गैस बता दूँ ये जो आप देख रहे हो ये ऑडी Q5 का टॉप मॉडल है, एंड ये आपका क्वाट्रो मॉडल है। क्वाट्रो, तो अब भाई जैसा आपको पता है भाजी, भाइयों को दिखाएंगे पहले इंजन खोल के। बिल्कुल,
सो गाइस ये देखिए V6 इंजन है आपका, ये V6 इंजन TDI और ये 3 लीटर है। ओके और आप ये लाइट देख सकते हो, ये निशानी होती है मोहित भाई ओरिजिनल लाइट की, क्योंकि नॉन एक्सीडेंटल कार है, इस पर सब कुछ ओरिजिनल है। ओके गाइस ये देखिए जो मुझे दिखा रहे हैं, बस ये आपको पता ही है V6 इंजन तो नाम से ही बिकता है, सबसे बड़ा इंजन है। ओके और ये कंडीशन देख सकते हो कितना साफ है, कहीं से लीकेज नहीं, कहीं से कुछ नहीं। ये इसकी कूलेंट बॉटल है। ओके पर यार एक बार बता दूँ यार, इसकी स्पेसिफिकेशन सुनोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा इस बात की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पक्का। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, हमने कार का आपको वो तो दिखा दिया, क्या बोलते हैं आपका इंजन, अब हम आपको एक बार इसका कार का वॉकराउंड दिखाते हैं, देन उसके बाद लेके चलेंगे आपको कार के अंदर। आइए कार का हमने आपको वॉक अराउंड दिखा दिया है, अब एक बार आपको इसके टायर्स भी दिखाऊंगा और इसके अलॉयज देखिएगा, आपको इसमें ऐसे अलॉयज मिलते हैं, एक बार टायर की कंडीशन देखिए एक बार आप। भाई जी बताओ जरा कुछ यार, टायर्स या अलॉय आप देख सकते हो, इसके डिस्क पैड भी नहीं घिसे, जिसका मतलब ये बहुत कम चली हुई है। और ये टायर्स की कंडीशन देखो, ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर्स हैं इसके। अब ये हमें जहाँ पे मिलती है आपकी LEDs है ये, हाँ, एंड आपके फोल्डेबल मिरर्स हैं, ये आप ऑटो फोल्डेबल है, अगर आप लॉक करोगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएंगे। प्लस गाइस जो मेन इस कार का अट्रैक्शन है वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ, बेसिकली मतलब फ्रंट एंड जो बैक वाले है दोनों को मतलब सनरूफ देखने को मिलता है ना। बिल्कुल सो पाजी काम करते भाई का बूट स्पेस दिखा गाड़ी का, बूट स्पेस आइए गाइस बूट स्पेस दिखाते हैं। सो गाइस ये इसका आपका बूट स्पेस आ गया है, एंड अगर हम बात करें पाजी आराम से हमें 300 लीटर 300-400 लीटर मिलेगा, कितना मिलेगा? 400 लीटर 450 लीटर मिलेगा। अच्छा गाइस ये देखिए आपको आराम से 300-400 लीटर बूट स्पेस में मिलेगा, एंड ये इसकी हो गई आपकी स्टेफनी, हां डोनट है और ये भी अनयूज्ड है, इसको भी कवर नहीं हटा, ये देखो। ओके ओके सो ये भी अनयूज्ड है अभी, हां अनयूज्ड है, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, अब भाइयों को मेन जो इसका अंदर है अब अंदर दिखाते हैं इसका इंटीरियर, आइए पहले शुरू करते हैं सीट से, आइए। सो गाइस अंदर एंटर करने से पहले ये देखिए जैसे सीट देख रहे हैं गाइस, ये आपकी ऑटोमेटिक है, ये देखिए इसको मैं पुश करता हूं तो ये आगे हो रही है, एंड इसको मैंने ऐसे बैक किया तो ये आपकी जाती है पीछे, ठीक है। सो गैस ये तो मैंने आपको दिखा दिया, प्लस डोर देखिए, डोर में यहाँ पे आपको मिलती है वुडन पैनल की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे आपको डोर ओपन करने के मिलता है, यहाँ पे आपको आगे पावर विंडो, एंड पाजी ये आपके होगा ट्विटर से नहीं ट्विटर, नीचे आपके आगे स्पीकर्स। सो चलिए गैस अब एक बार आपको अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ, आइए। तो गैस एट अ टाइम यार अब हम आ चुके हैं ऑडी Q5 के अंदर, सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो पाजी हम सामने ये आपका स्क्रीन देख रहे हैं, टच है ये नहीं, ये क्या कहते हैं टच नहीं है, रोटेटरी बटन से चलती है। ओके सो बेसिकली यहाँ से ये ऑपरेट होती है, ठीक है। एंड ये इसमें कार का आपको दिए हुए फंक्शन दिए हुए, नेविगेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कार दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है, हाँ जी, ठीक है। ये रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब प्रॉपर एक जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हो ना, हाँ जी, बिल्कुल वैसे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। ओके और ये गियर पे इसलिए लगाया हुआ है, ये कंपनी के साथ का ही आता है, ऑडी के साथ का ना, ये अभी तक नहीं हटाया, वैसे इसका गियर ऐसा है देखने में। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, कहीं से खराब नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। बस गैस एक बार आप इंटीरियर की कंडीशन देखिए, इंटीरियर से भी यार तब भी पता चल जाता है कि कार जो है वेल मेंटेन्ड है। अब मोहित भाई इसका सस्पेंस खोल देते हैं कि कितने किलोमीटर चली हुई है। पहले गैस स्टीयरिंग देखो, अब दिखाते हैं पाजी के सामने, ये गैस सिर्फ 9300 किलोमीटर चली हुई है, मैं 1000 कह रहा था, 9300 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। ओके 9351 जेनविन विद सर्विस रिकॉर्ड, 10,000 भी कंप्लीट नहीं करा इस गाड़ी ने अभी तक। ओके ठीक है। प्लस गैस आपको बता दूं इसमें आपको मिल रहा है पैनोरामिक सनरूफ, ये देखिए पहले इसका शटर ओपन कर दिया मैंने, तो शटर भी जो है आपको ऑटोमेटिक है ना पाजी, हां ऑटोमेटिक है, आपको सनरूफ ओपन करके दिखाते हैं ये पहले, ये देखिए। एंड पाजी अगर हम बात करें सनरूफ से काफी बड़ा है, काफी बड़ा है ना, पैनोरामिक व्यू है काफी बड़ा। ओके अब पाजी आप क्लोज कीजिए, ये देखिए इसके मैट भी साथ में क्लोज किए, सब मैट भी क्लोज करना होगा। गैस ये देखिए जो आप देख रहे हैं मैट भी जो है इसका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, मैनुअल नहीं है मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। पाजी अगर हम बात करें सीट से काफी कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल है। एंड गैस बता दूं आपको ये जिसमें आप देख रहे हैं इसमें आपको सामने मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ठीक है ठीक है। और ये ऑडी का मल्टीमीडिया मिलता है, जैसे क्या कहते हैं आप इसमें सीडी, काफी 6 CD चेंजर होता है, ठीक है 6 CD जा सकते हैं, और इसमें ये मेमोरी भी हो जाती है, अगर आपने कोई गाना इसमें भी सेव करना हो, हां जी, तो अपने डिस्क में इसमें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। So, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और यहाँ आपकी क्या कहते हैं ऑक्स की पोर्टेबिलिटी दी हुई है उन्होंने,
ठीक है और ये कप होल्डर्स दिए हुए हैं। तो पाजी अब एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं, भाई को बैकसीट का स्पेस दिखाता हूं, दिखाता हूं बैकसीट में क्या फीचर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऑडी Q5 की बैक सीट पे एंड यहाँ पे स्पेस देखिए आप। तो अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस अब लाइक मेरी हेड जो है 510 है, तो मतलब स्पेस काफी है। पाजी तो कोई नहीं, पाजी तो बच्चे, पाजी तो किसी भी गाड़ी में फिट हो जाएंगे। जोकिंग यार, जोकिंग पाजी। सो गाइस स्पेस के हमने बात करें, स्पेस फ्रंट पे भी काफी है एंड अगर हेडरूम की बात करें पाजी, हेडरूम भी काफी यहाँ पे। जैसे मैंने पगड़ी बांधी तो मेरा तब भी सर नहीं टकरा रहा। सही बात है। प्लस गाइस ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है दोनों के बैक सीट पे आपको मिलती है स्क्रीन। ओके तो पाजी ये चलती हैं? क्या चलती हैं? क्यों नहीं? अच्छा नहीं, मैंने सोचा कि ऐसे मजे के लिए लगा रखी है, मजे के लिए। सो गाइस ये दोनों वर्किंग कंडीशन में स्क्रीन से बता दूं। एंड गाइस यहाँ पे जो आपको मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका इसका आपका मैनुअल ही हो गया, आपका ब्लाइंड हो गया। अगर यूज में है तो इसको लगा लो, बट नॉट इन यूज तो अपना इसको वापस लगा लो। आपको क्या कहते हैं, एसी भी मिल जाएगा, रियर एसी, रियर एसी वेंट्स, ठीक है। एंड सो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 12 वॉट का सॉकेट मिलता है। एंड भाई नीचे क्या ये आपको मिल गया एक्स्ट्रा? ओके ठीक है। सो गाइस अगर हम कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट इसका काफ़ी बढ़िया है। तो भाजी अब एक काम करते हैं, फिर आइए बाहर चलते हैं और भाइयों को इसके फीचर बताते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट कार। सो गाइस एक बार दादू, इस कार के हमने आपको इंजन भी दिखा दिया है, इसका बूट स्पेस भी दिखाया है, इसके अंदर के फीचर भी बता दिए। अब हम आते हैं मेन डिटेल्स पे। सो भाजी स्टार्ट करते हैं, पहले ऑडी Q5 कौन सी ईयर का मॉडल है? ये 2011 का मॉडल है आपका, सितंबर मंथ की कार है और फुल इंश्योर्ड है सितंबर तक। बहुत अच्छी कार है, सिर्फ 9300 किलोमीटर चली हुई है। और गैस एक बार बता दो, मुझे पता है काफ़ी आप में से समझदार भाई हैं, वो कमेंट करेंगे कि भाई 2020 आ चुका है, 10 साल में बस ये ओनली 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली। सो एक बार बता दूं, जिनकी है नए गाड़ी उनके पास पहले से ही 4-5 लग्जरी गाड़ी और भी हैं, सो इसलिए ये गाड़ी कम चली है। अब बता दूं, अगर किसी को डाउट है तो नंबर आपके सामने है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है ना, सो आओ पाजी, अगर कोई जांच करना चाहे शोरूम में ले जाके तो अलाउड है। देखो एक्सपेंस आपका है, क्योंकि शोरूम वाले चार्ज लेते हैं, आपने चेक करानी है, आप शोरूम लेके जाओ, एक्सपेंस सारा आपका है, 2,500 से 3,000 रुपये लगता है उसका, ठीक है। जो सर्विस चेक करते हैं वो अपनी, तो वो आपने बियर करना है, ठीक है। मैं अपना यहाँ से क्या कहते हैं एम्प्लॉय भेज दूंगा, वो आपके साथ जाके चेक करा देगा। मोहित भाई जैसे हम उसका कराते हैं अपनी स्कॉडा वगैरह का, तो उसका आता है 2,500, इसका मान के चलो 3,500-4,000 रुपये ले लेते होंगे। तो क्या एक बार दादू यार, वैसे देख यार हमारा फर्ज है आपको बताना, लेकिन तब भी अगर आपको डाउट है यार कि आपको लग रहा है 10 साल में 9,500 किलोमीटर चली है, सो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए चेक करा सकते हैं शोरूम में जाके, है ना पाजी। इसकी टायर की डेट भी देख सकते हो, उसको भी 2010 ही लिखा हुआ। ओके ठीक है, टायर भी रिप्लेस नहीं है, चारों टायरों पे वही लिखा हुआ, ठीक है। तो पाजी अब अगर हम बात करें कवल मोटर पे, हमें ये ऑडी Q5 किस कॉस्ट में मिलने वाली है? मोहित भाई जो इसकी आस्किंग प्राइस कर रहे हैं वो 13.5 लाख रुपए कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 लीटर इंजन है और पैनारोमिक टॉप एंड मॉडल है। हाँ जी, क्योंकि ये 2.0 नहीं है, 3 लीटर इंजन है, ठीक है। तो इसकी 13.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बाकी आपको पता ही है थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। नेगोशिएट कब होगा? जब पहले हमें फॉलो करेंगे, बिल्कुल। और अभी आपको वीडियो के एंड में हमें कैसा ऑफर देने वाले हैं वो तभी मिलेगा जब आप दोनों को फॉलो करोगे। और एक बार बता दूं गाइस, हमारे काफ़ी ऐसे भाई हैं, अगली वीडियो में उनको मैं लेके भी आऊँगा अगर वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो। एक दिल्ली के हमारे भाई है, वो पाजी से लेके गए थे स्विफ्ट डिज़ायर जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, पाजी हमने उनको डिस्काउंट दिया था ना, मुझे लेकर भाइयों को दिखाना ही पड़ेगा उसको वीडियो में, क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। तो पाजी एक बार बताओ, जब 13,50,000 हमने इसका प्राइस बोला है, वो नेगोशिएबल है ना? नेगोशिएबल है। तो गाइस एक बार बता दूं यार, देखो मैंने आपको कार के अंदर से कंडीशन भी दिखा दी, आपने देख भी लिया यार, आपको यही सजेस्ट करता हूं, फोर्स नहीं कर रहे कि आप यहां से लो, आप एक बार आओ इस कार के टेस्ट ड्राइव लो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है देन आप परचेज कर सकते हो। और बता दूं, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्यों? क्योंकि इन दोनों गाड़ियों पे स्पेशल आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, वो कैसे मिलेगा वो वीडियो के हम आपको एंड में बताएंगे। और जैसे कि क्वालिटी कार है मोहित भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये क्वालिटी कार है, तो देखो 10-20 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेंड भी करे तो मैं कहता हूँ बुरे नहीं है। तो गाइस इस कार की सारी डिटेल्स हो गई, अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट कार पे, जो कि आपकी ऑडी A6। यार काफ़ी आप में से भाई डिमांड करते हो कि भाई गाड़ी के व्लॉग्स आते ही नहीं मिड सेगमेंट के, तैयार हमने सोचा चलो कोई नहीं स्टार्ट हम लग्जरी से करते हैं। मिड सेगमेंट भी बता दूं, आज के दिन ही हम 2 से 3 व्लॉग शूट करने वाले हैं, जिसमें आपकी लग्जरी भी शूट करने वाले हैं, SUV भी शूट करने वाले हैं, एंड आपके लिए हम सेडान भी करने वाले शूट, है ना भाजी। तो पहले गए जाते हैं इसके नंबर पर, नंबर देखिए इसका, आप HR नंबर गाड़ी है ये, और नंबर देखिए कितना फैंसी है, 0007 जेम्स बॉन्ड, बस एक शून्य हटा दे तो 0007 जेम्स बॉन्ड की गाड़ी बन जाएगी। वैसे जेम्स बॉन्ड तो अपना एस्टन मार्टिन चलाते, लेकिन कोई नहीं, नंबर तब भी वही है। तो पाजी बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर मिलते हैं? फ्रंट प्रोफाइल में जैसे आपको इसमें लाइट्स देख रहे हो वही सेम, प्रोजेक्टर लैंप्स। हाँ जी, ठीक है, बाकी इसमें वो नहीं आएंगे आपके DRL नहीं आएंगे। हाँ जी, इसमें LED आएगी, पतली LED आएगी। ओके ठीक है, जब वो स्टार्ट करेंगे तब नजर आएगी आपको, बट ये मैट्रिक्स नहीं है। ओके, इसमें वॉशर्स मिल जाएंगे आपको, हेडलाइट वॉशर आ गया, ठीक है, ये सेंसर्स मिल जाएंगे, सब वर्किंग है जो आपको बता रहा हूँ। ओके प्लस गाइस ये देखिए इसके जो ये आप देख रहे हैं इसका कितना बढ़िया, देखिए इसका अगर हम इसकी बात करें तो लोगों की प्रॉपर फिनिश है। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हैं आपका ग्लॉसी ब्लैक लुक में है एंड ये आपका है क्रोम में फिनिशिंग में आई है।
सो पाजी अब एक काम करते हैं, भाइयों को पहले इसके टायर्स पे पहले दिखाते हैं, पहले इसका इंजन क्या पाजी यार तुम भी भूल गए यार। चलो गाइस पहले एक बार आपको इसका इंजन दिखा रही है। सो गाइस ये देखिए ये इसका आपका इंजन आ गया जो कि आपका ऑडी A6 का TDI इंजन। ठीक है तो गाइस देख लीजिए कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी आप जैसी है कोई नहीं है। इसमें कोई वॉशिंग नहीं करी क्योंकि इन गाड़ियों में वॉशिंग करने की नीड ही नहीं होती क्योंकि अगर इतने सेंसर होते हैं अगर हल्की सी वॉशिंग करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी अंदर। अच्छा हाँ तो इनको सूखा कपड़ा ही मारना चाहिए इन पर। ओके ठीक है हाँ जी। तो चलेगा अब एक बार आपको पहले कार का वॉक अराउंड देते हैं देन उसका देंगे आपको कार के अंदर का इंटीरियर की डिटेल्स। आइए तो गाइस एक बार बता दूँ कार का हमने आपको इंजन खोल के दिखा दिया, अब इसके बाद में अब आपको दिखाता हूँ कार का वॉक अराउंड दिखाते हैं देन उसके बाद हम दिखाएंगे आपको साइड में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं एंड बूट साइज में आपको कितना मिलता है। आइए प्लस गाइस एक बार इसकी साइड से एक बार इसकी आप वो देखिए लेंथ देखिए एक बार लेंथ काफी इसकी लंबी है पाजी लंबी है A6 है ना ये 6 और A4 में यही तो डिफरेंस है लेंथ का फर्क है और काफी एंड जो 8 है वो तो इनकी भी बाप है वो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही है। सो गाइस एक बार इसके आप टायर देखिए टायर की कंडीशन देखिए ब्रांड न्यू टायर है। ओके सो गाइस ये देखिए इसका बूट पे सही है। अगर हम बात करें पाजी कितने लीटर का बूट पे मिलेगा इसमें इसमें अभी इतना नियर अबाउट आपका 500 के अराउंड होगा। ओके ओके 500 लीटर का बूट पे मिलेगा। हां ठीक है अरे इसकी स्टेपनी है एक यूज है ठीक है। ओके सो गाइस अब हमने आपको इसका अंदर का बूट स्पेस भी दिखा दिया है, अब आपको लेके चलता हूँ इस कार के अंदर और अंदर से दिखाते हैं यार मतलब ना गाड़ी में फीचर्स बहुत A1 है और आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देख रखे हैं। तो चलिए आइए इसका आपको एक बार अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं। आइए सो गाइस एक बार बता दूँ कार के अब हम अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए पहले हम जैसे एंटर करते हैं तो ये आपकी इधर स्क्रीन आ गई जो कि आपकी मैजिक स्क्रीन है। अगर इसको आप चाहें तो आप यूज़ में भी रख सकते हैं, अगर वन नॉट इन यूज़ तो इसका आप वहाँ से बटन प्रेस करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। प्लस ये देखिएगा फ्रंट में भी आपको मिलती है वुडन पैनल की फिनिशिंग और फिर आप देख सकते हो इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन है। हाँ जी ठीक है और ये क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक है जब आपने छेड़ा तो ये ओपन हो गई क्योंकि सारा इसमें आता है। ठीक है ठीक है बस पाजी एक बार बताओ जो हमें इसमें जो एसी मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो आपका 2 जोन होता है 4 जोन होता है 4 जोन होता है भाई 4 जोन। ओके प्लस पाजी अभी ये तो जो हम यहाँ पे सारी एक बटन देख रहे हैं इनके बारे में बताओ क्या क्या इसमें है। ये तो क्या कहते हैं स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी तभी समझा पाऊंगा। जैसे कि अभी आ गया क्या कहते हैं हम इसमें जाते हैं सबसे पहले बैक में। हाँ जी तो ये कार के सारे इसमें ऑप्शन आ गए मीडिया आ गया इन्फॉर्मेशन आ गई टेलीफोन की कनेक्टिविटी आ गई कार के बारे में आ गया ये टोन आ गया जब आपका फोन बजेगा तो कौन सी टोन आएगी इसमें। ठीक है ये रेडियो आ गया आपका ठीक है फिर क्या कहते हैं ये आप यहाँ से अपने नंबर डायल कर सकते हो अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं फ़ोन यहीं से नंबर डायल हो जाएगा आपका। जैसे अब आपने रेडियो का चैनल भी दबाना है तो 1 दबाया तो रेडियो चैनल 1 आ गया उस पर। ठीक है और फिर ये आपकी आ गई हैंड ब्रेक। ओके ठीक है और ये आपके आ गए गियर शिफ्ट पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। ओके ठीक है ठीक है फिर ये आ गया आपका मेन्यू। ओके कार का मेन्यू आ गया जो ओपन हुआ होगा। अब आपने कार के बारे में जाओगे तो इसमें मोड्स आ जाएंगे अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं इसमें कंफर्ट ऑटो डायनेमिक एंड इंडिविजुअल। ठीक है फिर आपका आ गया स्टीयरिंग कंट्रोल। ठीक है सो गाइस ये देखिए स्टीयरिंग कंट्रोल पे आपको इसमें ये मिलते हैं सारे इसके फीचर्स। सो इसमें वॉल्यूम अप डाउन करने के पाजी क्रूज कंट्रोल भी है ना इस गाड़ी में। हाँ ओके नेविगेशन के लिए मतलब सारे इसमें कंट्रोल्स मिलते हैं। ये रहा आपका क्रूज कंट्रोल का अलग से दिया हुआ है एंड गाइस बता दूं इसमें आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। तो गाड़ी में आपने पैडल शिफ्टर्स कभी यूज किया है इस गाड़ी में करें कैसे लगते हैं यूज करने में अगर हम चलाते हैं उसको। मेरे को मजा इसी पे आता नॉर्मल ड्राइव करके उस पे नहीं आता पैडल शिफ्टर पे चलाने। अच्छा ठीक है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को पैडल शिफ्टर से ज्यादा इस पे मजा आता ड्राइव करने में। ओके सो चलिए गाइस एक बार आपको दिखाता हूं पाजी के सामने जो इसका ओडोमीटर है ये चल रही है 52000 किलोमीटर। 52000 किलोमीटर हां जी ठीक है। सो गाइस फ्रंट के हमने आपको सारे फीचर्स बता दिए प्लस आपको बता दूं इसमें भी आपको सनरूफ मिलता है। सो पाजी का सनरूफ जरा एक बार उसको ओपन करके दिखा दिया सनरूफ भी अगर पाजी हम बात करें सनरूफ मतलब अच्छा बड़ा है मतलब एक बंदा निकल सकता है आराम से बाहर है ना भाई। अब मेरे जैसे तो नहीं निकल सकता ना आपके जैसा निकल सकता है छोटे बच्चे निकल सकते हैं इसमें। अच्छा नहीं पाजी आप जैसा नहीं निकल सकता मेरे जैसा नहीं निकल सकता भाई मैं कहाँ से निकलूंगा।
तो चलिए गाइस, फ्रंट के हमने आपको सारे फीचर्स बता दिए, अब आपको लेकर चलता हूँ बैक सीट पे, क्योंकि बैक सीट में भी हमें यहाँ पे काफी फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आइए अब चलो आपको लेकर चलते बैक सीट पे। आइए तो गाइस, एट अ टाइम अब हम आ चुके हैं ऑडी A6 की बैक सीट पे। यार अगर हम बात करना है कम्फर्ट वाइज ना, मतलब काफी कम्फर्टेबल है। एंड ये देखिए लेग स्पेस यहाँ पे काफी है। एंड हेड स्पेस की भी बात करें पाजी, काफी हेड स्पेस है ना। प्लस ये देखिए जब इसका गेट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलता है वो ब्लाइंड्स मिलते हैं जो कि मैनुअल है। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, जब चाहे तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आगे गए इसके ट्विटर्स। एंड यहाँ पे आपके आगे ये देखिए बोस के, इसमें आपको स्पीकर्स मिलेंगे देखिए बोस के। एंड यहाँ पे आप देखिए तो ये आपके आगे एस्ट्रे। प्लस गाइस ये देखिए इसमें आपको पीछे भी आपको टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। टू जोन आपको फ्रंट में मिलता है, टू जोन आपको मिलता है बैक में। सो भाजी बताओ जरा इसमें। इसमें भी सारे फीचर्स हैं, जैसे आपने ऑटो कर दिया ऑफ, और क्या कहते हैं ये फैन की स्पीड, और ये मोड्स हो गए इसके, ठीक है, ऊपर नीचे, और क्या कहते हैं फीट में करने के लिए। एंड गाइस बता दूं, ये जो आपको टू जोन जो बैक में मिलता है ना, इससे क्या होता है यार, आप जैसे मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपना जो क्लाइमेट कंट्रोल है, जो अपना वो है एसी के मोड है, अपना खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड अपने वहाँ के पाजी अपना खुद कंट्रोल कर सकते हैं, है ना पाजी? ओके, प्लस ये आपके एसी वेंट्स आ गए। एंड दिखा दो गाइस, ये देखिए आपको पिलर्स में भी यहाँ पे एसी वेंट मिलते हैं। प्लस पाजी अगर हम बात करना है कंफर्ट लेवल की, यार अगर कोई लॉन्ग राइड पे ऐसी गाड़ियों में जाता है ना, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, मतलब राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है ना पाजी। तो पाजी काम करते हैं भाइयों को सारा, तो अब दिखा दिया इंटीरियर भी, दिखा दिया बूट स्पेस भी, दिखा दिया इंजन भी, दिखा दिया। अब आते इसकी फाइनल डिटेल्स में, आइए अब चलते हैं बाहर। सो गाइस एक बार बता दूं, ऑडी A6 में हमने आपको इंजन दिखा दिया, वॉक अराउंड दिखा दिया, अंदर का इंटीरियर दिखा दिया, बूट स्पेस दिखा दिया। अब आते हैं हम इस कार की फाइनल डिटेल्स पे। तो पाजी ये बताओ ऑडी A6 जो है कौन सी ईयर का मॉडल है? पहले ये 2012 मॉडल है, 2012, ठीक है। तो हम इसकी बात कर सकते हैं, ये भी HR नंबर है, ये भी आपकी क्या कहते हैं 15 इयर्स तक ही वैलिड है, ठीक है। अगर आप बात करें ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ ये फाइनेंस हो जाएगी। बता दूं वो गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, लेकिन यार कंडीशन काफी मेंटेनेंस है, एक बार आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस नहीं करना चाहते तो इस पे भी आपको, अगर पाजी अगर कोई कैश में लेगा अपना भाई तो डिस्काउंट अच्छा मिलेगा ना? मिल जाएगा, कब मिलेगा वो भी आखिरी में बताएंगे अभी हम। तो पाजी अब बात करें कितने किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी? ये 52,000 चली हुई है। एंड ये सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर, वो भी सिंगल ओनर, ये भी सिंगल ओनर, ठीक है। तो पाजी अब ये तो कवर मोटर पे हम इस कार की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाजी? 13 लाख रुपए इसकी आस्किंग है। 13 लाख रुपए, हाँ, बाकी नेगोशिएट हो जाएगा। ओके ठीक है, हाँ जी। सो पाजी अब एक बार बताओ, अगर ये गाड़ी जो है फाइनेंस हो जाएगी? ये फाइनेंस हो, अगर कोई मेरा भाई है जो कि दिल्ली NCR में रहता है, अगर वो ये ऑडी A6 लेने में इंटरेस्टेड है, कितना भाई को डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? उनको नियर अबाउट 1.5 से 2 के बीच में देनी पड़ेगी और उनकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। तो गाइस आपने सुनी लिया है, 1.5 से 2 लाख देकर आप इस ऑडी A6 को अपने घर लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बार बता दूं गाइस, गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी बेसिकली यार वो डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे एंड आपके सिविल स्कोर पे, प्रोफाइल कैसी है आपकी, है ना पाजी? तो पाजी एक बार बताओ, जो भाई अपना फॉलो करता है कवल मोटर्स को एंड माइक सेटिंग लॉस को इंस्टाग्राम पे, उसे कितना डिस्काउंट मिला अगर वो यहाँ पे आके दिखाता है? यहाँ पे आके दिखाता है तो उसको डिस्काउंट नियर अबाउट, अगर ये लग्जरी कार बाय करता है हमसे तो हम उसको नियर अबाउट 35,000 का डिस्काउंट ऑन द स्पॉट करा के देंगे। 35,000 का ऑन द स्पॉट जो डिस्काउंट मिलेगा वो आप जो हमें फॉलो कर रहे हो उससे मिलेगा, और अगर आपकी स्किल्स बढ़िया तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट और हो ही जाएगा आपको, बिल्कुल, है ना। बाकी आपने प्राइजेस कंपेयर करे होंगे, ऑडी आप इतने बनाते हो, कितने पैसे मांगते हैं इसके? 14, 14.5 से नीचे कोई नहीं मांगता, वो तो आई बाकी का। तो गाइस एक बार बता दो यार, जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूं ना वीडियो में, वो नेगोशिएबल प्राइस है। अब इसका 13.5 लाख रुपए, इसका भी प्राइस है ना 13.5 लाख रुपए, सॉरी इसका है 13 लाख रुपए। तो बता दूं गाइस, अगर आप हमें फॉलो करोगे माइक सेटिंग लॉक्स एंड कवल मोटर्स को, सो आपको बता दूं 35,000 इंस्टेंट डिस्काउंट आपको वहीं पे मिल जाता है। एंड उसके बाद अगर आप कार लेने में इंटरेस्टेड है इसकी टेस्ट ड्राइव में, सो बाकी जो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अगर बढ़िया होंगी तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। सो गाइस आई होप यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब कोशिश यार यही रहेगी कि भाइयों को जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया और मिड सेगमेंट में हम कार आपके लिए लाने वाले हैं। और बता दूँ ब्लॉग अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद अभी हमने 1-2 शूट आपके लिए और किया है, अभी वो भी आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, है ना भाजी? तो चले गए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और गाइस यार एक बढ़िया सा कमेंट जरूर किया करो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो, क्यों भाजी? बिल्कुल। प्लस गाइस एक बार बता दूं, अब थंबनेल पे एक बढ़िया सा प्राइस आने वाला है, 2 लाख में घर ले जाए ऑडी, और 2 लाख में आपको ऑडी मिलेगी, लेकिन जो पाजी ने आपको बताई है डिटेल्स उसको आप फॉलो करोगे तो 2 लाख में भी आप ऑडी घर लेके जा सकते हैं ना पाजी? तो जो हम थंबनेल पे लिख रहे हैं 2 लाख में देंगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मोहित भाई लगा ही देंगे, क्यों मोहित भाई? क्या बात है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।